जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है फिर से हमारे गर्मा गर्म मसालेदार टेक न्यूज में। हाँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और ये मक्खी क्यों उड़ा है, चल बैठ। हाँ तो दोस्तों, कहाँ था आज के खबर में आपका स्वागत है। आज बहुत सारे गर्मा गर्म मसालेदार खतरनाक तड़का वाला खबर है, जो खबर का सिलसिला है। तो चलिए खबर का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला खबर है वो आ रहा है सैमसंग की ओर से। सैमसंग का जो एक अनइवेंट पैक मतलब इवेंट था, मतलब लॉन्च इवेंट, उसमें सैमसंग ने अपने 4 लैपटॉप मतलब लॉन्च किया है दोस्तों। उनमें से 2 लैपटॉप में तो दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले, और इन दोनों का लैपटॉप का मतलब i7 जीन मतलब प्रोसेसर है, और इन दोनों लैपटॉप मतलब 70,000 से स्टार्ट होता है। तो क्या दोस्तों आप लोग एक्साइटेड हो? मतलब थोड़ा कॉस्टली है पर सैमसंग का ब्रांड वैल्यू समझ सकते हैं आप, इसलिए शायद थोड़ा मतलब कॉस्टली है। कमेंट में ज़रूर बताइए आप एक्साइटेड हो या नहीं। दोस्तों जो अगला खबर है वो आ रहा है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का जो नॉट पता है सबसे मतलब 5G सबसे ज़्यादा मतलब बिकने वाला फ़ोन था, मतलब 30,000 के अंदर, वो भी फर्स्ट 5G फ़ोन। तो दोस्तों जो इसका सक्सेसर वो होगा वन प्लस N20 दोस्तों। ये मतलब लिस्ट हो चुका है ग्लोबली, इंडिया में भी लिस्ट हो चुका है, बहुत जल्द इंडिया भी आ रहा है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस फ़ोन के लिए? देखते हैं क्या खास होता है इस फ़ोन में। पहले में तो मतलब सारा मतलब बैंड नहीं था मतलब नेटवर्क का, इसमें शायद वन प्लस दे दे तो अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्या खास होता है, कौन सा प्रोसेसर में आ जाए। आप एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों जो अगला खबर है वो आ रहा है मतलब आपका मतलब चीनी खाने का मन करेगा, मतलब दही शक्कर नहीं, हनी खा लीजिए वही अच्छा होगा। हाँ पर ये वो लोग के लिए मना है जिन लोग का डायबिटीज़ है। डायबिटीज वाले लोग थोड़ा सबर कीजिए, आप लोग सबर करो। हाँ अगला जो खबर आ रहा है वो आ रहा है जियो की तरफ से, मतलब उससे मतलब आपको सुड़सुड़ी मच जाएगा, ठीक है। जियो का एक फ़ोन जो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 690 के साथ आ रहा है, वो मतलब लिस्ट हो गया है गूगल पे दोस्तों। 690 प्रोसेसर और इसमें HD+ मतलब स्क्रीन होगा, और बोला जा रहा है कि 6GB रैम होगा। तो समझ पा रहे कि ये 5G फ़ोन शायद अंडर 10,000 होगा। कि आप एक्साइटेड हो इस फ़ोन के लिए? गूगल, रिलायंस, कुछ भी हो सकता है यहाँ, कुछ भी। तो देखते हैं क्या खास होता है इस फ़ोन में। मतलब एक तो फ़ोन आएगा जियो के ओर से, ये तो पक्का है। इसमें मतलब स्नैपड्रैगन का 690 प्रोसेसर वही, ये भी मतलब कंफर्म है। चलिए देखते हैं और क्या खास होता है, क्या रहता है ना रहता है, चलिए देखते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या एक्साइटेड हो। अगला खबर है वो आ रहा है किसके ओर से? इंटरनेट की ओर से। आप बताइए मुझे कमेंट में कि आप डेली कितना रैम मतलब कितना जीबी रैम बोलो हाँ कितना जीबी अपडेट यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों इस लॉकडाउन के अंदर मतलब जो मतलब 40-50% इंक्रीज हो गया है मतलब डेटा का डिमांड। डेटा खाते हैं या बेचते हैं आप लोग? मतलब क्या कंपनी से लेकर उन्होंने खुद बेचते हैं क्या? आप बेचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते हैं और कितना बढ़ता है, 50-60% तो इंक्रीज हो गया है, और कितना बढ़ता है आपको क्या लगता है, आप और कितना इंक्रीज करेंगे कमेंट में बताइए। एजेंट स्किप किया ना और जूता लाओ तो कोई स्किप करके खोज के देखते हैं पबजी का न्यूज़। हाँ जो भी है। तो दोस्तों मतलब लेजेंड्स, हाँ पबजी का खबर आ रहा है कि जो पबजी तो बैंड हो चुका है, आपको पता है दिन में बहुत दर्द होता है। तो ये जो पबजी का लाइट वर्सन है ये भी इंडिया में बहुत जल्द बैंड हो रहा है, ये मतलब खबर आया। और दोस्तों एक अच्छा खबर है कि जो मतलब पबजी का वर्जन 2 पबजी मोबाइल 2 वो 2022 के मतलब फर्स्ट मतलब वीक में मतलब पहले मंथ में या फिर सेकेंड मंथ में लॉन्च हो जाएगा। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो पबजी 2 के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट टाइम से इसकी मत कीजिए प्लीज़, मतलब सर्च की मत करो, ठीक है दोस्तों।
तो जो अगला खबर आ रहा है वो आ रहा है सैमसंग की ओर से, सैमसंग का A22। हाँ, नया फोन A22 जो होगा 5G फोन, वो भी Dimensity 700 प्रोसेसर के साथ। रेड शाओमी वाले आ रहे हैं, मतलब शाओमी का नहीं आ रहा है, पोको का आ रहा है, शाओमी का रीब्रांड होकर, जो मतलब ग्लोबली नोट 10 गया था 5G वर्जन, वो इंडिया में मतलब पोको M3 प्रो का नाम से आ रहा है 5G फोन अंडर 15,000, वो भी Dimensity के 700 के साथ। रियलमी का आ चुका है, सैमसंग का आ रहा है, मज़ा ही आ गया बेटे, मौज कर दी रहे बेटे, हम तो लड़ाएंगे सबको और फायदा हमारी होगा। चलिए देखते क्या खास होता है इस फोन में। और ये तो कंफर्म हो गया कि Dimensity का 700 प्रोसेसर होगा, मिड रेंज का फोन होगा, मतलब अंडर 15,000 या फिर 15-16,000 सैमसंग का फोन है, आपको तो पता ही होगा, कॉस्ट होने से भी अच्छा होगा। देखते क्या खास होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप एक्साइटेड हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही खबर था, बहुत सारे खबर था, बहुत टायर्ड था, थोड़ा काम था, उसके लिए टेक्नोज आने में देरी हो गए। ऐसे ही लाइक सपोर्ट करते रहिए, अगर आप डेली टेक्नोज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेक्नोज अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।